कभी हीरों की खदान के लिए मशहूर थी ये जगह, अब रेत के अंदर हो चुकी है दफन। ये है साउथ अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान में मौजूद कोलमेंस्कोप नाम का शहर। रेत के बीच बसा ये शहर कभी दुनिया भर में हीरों की खदान के लिए मशहूर था, लेकिन जैसे ही यहाँ हीरे मिलना बंद हुआ, लोग शहर छोड़कर दूसरी जगहों का रुख करने लगे। अब यहाँ टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स रेत में दबते जा रहे जर्मन मकानों को देखने के लिए आते हैं। हीरों के बारे में ऐसे चला था पता। कोलमेंस्को टाउन की खोज 1900 के दशक में हुई, जब यहाँ पहली बार रेत पर बैठे बैठे एक शख्स को हीरा मिल गया। 1908 में लाइन खोदते एक रेलवे वर्कर को एक पत्थर मिला। जब उसने पत्थर को अपने सुपरवाइजर को दिखाया, तब पता चला कि इस जगह पर हीरे के खदान है। हीरे की खदान की खबर ऐसी फैली कि कुछ ही साल में नामिब के रेगिस्तान में भी जर्मनी से आए सैकड़ों लोगों ने मकान खड़े कर लिए और वहीं बस गए। जब यहाँ जर्मनी से लोग आकर बसे, तब उस दौर में इस शहर को अफ्रीका के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। यहाँ हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, पावर स्टेशन, कैसीनो सहित तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी। 40 साल में बसा और उजड़ा। यहाँ तेजी से हीरों के खनन का काम शुरू हो गया और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ये जगह एकदम वीरान होने लगी। जब लोगों को पता चला कि इस रेगिस्तान से थोड़ी दूर एक दूसरा शहर है जहां हीरे मौजूद हैं, तो लोग शहर छोड़कर वहां बसने लगे। महज 40 साल के अंदर ही ये टाउन बस भी गया और वीरान भी हो गया। अब यहां खाली पड़े मकान रेत में दबते चले जा रहे हैं। माइनिंग कंपनी डी बियर्स ने 1980 में एक म्यूजियम सेटअप किया था ताकि कोलमेंस्को टाउन की यादों को यहाँ संजोया जा सके। अब ये जगह फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट करती है। हर साल हजारों लोग इस जगह के इतिहास और वर्तमान को देखने आते हैं।